यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं हमारे एम आई ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2, जो कि 14.2 पावरफुल डायनामिक ड्राइवर्स के साथ हैं। इन्वायरमेंटल नॉइस, वर्क विद वॉइस असिस्टेंट, ईजी वन स्टेप पेयरिंग, एंड ये पैकेज ऑलरेडी खुल चुका है, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पूरा वैसे ही रहेगा। ये यहाँ से पील आउट होता है, ये हमारे मिमी असिस्टेंट ने छोड़ा नहीं और सुन ही लिए। 5,500 रुपये की यहाँ पर प्राइसिंग दी गई है, बट ये 4,000 रुपये के हैं, और अमेजोन पर अभी हाल ही में ये 2,000 रुपये के मिले हैं। सो अगर आपको नहीं मिले तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। और हाँ, मैंने थंबनेल पे यही लिखा है क्योंकि मुझे इतने में मिले हैं। सो आप लोग प्लीज़ मुझे ये मत लिखना कि फ्रॉड एंड ऑल, मुझे इतने में मिले हैं, मैंने वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 250 mAh है इसका बैटरी बैकअप, मतलब जो केस का बैकअप है, और 30 mAh जो है पर ईयरबड का है। एंड ये भी मेड इन चाइना ही है, यहाँ पर कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो चाइना ही लिखा गया है यहाँ पर। एंड अब यहाँ पर लिखा गया इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि काफ़ी लोग गलत समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ से पील आउट करना है, ये कुछ इस तरह से खुलेगा, एप्पल वॉच वाला एक्सपीरियंस है एक तरह से। ये है हमारी छोटी सी डब्बी, ठीक है, इनको हम साइड में रखते हैं और देख लेते हैं पैकेजिंग में क्या क्या है हमारे पास। ये है हमारी जन्म पत्रियाँ जिन्हें की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर है हमारी बहुत ही मस्त सी टाइप सी छोटी सी डेटा केबल, एंड सच में काफ़ी लाजवाब क्वालिटी के। आ जाते हैं हमारे ईयरबड पे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रैपिंग है। सो जैसे ही आप इसे कुछ यूँ खोलते हो, अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल है या एम आई का मोबाइल है, सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको किस तरह का एक पॉपअप मिलेगा, एग्जैक्टली लाइक आईफोन, बट वो हम बाद में बात करेंगे। ये है हमारी कुछ बॉक्सिंग, ये यहाँ पर है हमारी एलईडी इंडिकेटर लाइट, ये कुछ स्क्वेयर सी फ्लैट सी एम आई स्टाइल में है ये। एंड ये रहा हमारा एम आई का लोगो लिखा हुआ है ब्लूटूथ। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जर से यहाँ पर आपको चार्ज करना है, और जैसे ही आप चार्ज पे लगाओगे ये रेड लाइट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। और ये बटन है पेयरिंग मोड बटन है, आपको 2 सेकंड के लिए इसे दबा के कंफर्म करना था, वो आपको पेयरिंग पे पता चल जाएगा। और हाँ, अगर किसी अदर डिवाइस पे कनेक्ट कर रहे हो तो आपको यस ये 2 सेकंड के लिए दबा के रखना पड़ेगा, सो डैट आपका अगर नॉन एम आई मोबाइल है तो ये वहाँ पर आपको शो हो जाए। सो यहाँ पर अगर मैं हमारे ईयरबड्स के ओवरव्यू की बात करूँ, तो ये कुछ हमारे ईयरबड्स इस तरह से दिखते हैं दोनों की। अगर मैं निकालूँ तो ये वाले थोड़े बल्की से हैं, मतलब ये चीज़ जो है ना एप्पल के ईयरफोन से इंस्पायर्ड है, बट ये पीछे वाला कुछ इनका अपना ही है। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखें चार्जिंग के पॉइंट्स हैं, एंड ये जो छेद हैं ऊपर और नीचे दोनों ही ईयरफोन्स में है, ऊपर और नीचे। तो ये दोनों है माइक 1 एंड माइक 2 फॉर द नॉइस कैंसिलेशन। अब नॉइस कैंसिलेशन ही आगे आपको बताएंगे। और ये यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लैक सा ये है सेंसर, ये दोनों में ही लगा है, ये इन ईयर डिटेक्शन सेंसर है, इसका भी फीचर हम आगे आपको बताएंगे। सो ये तो है ईयरबड्स का ऑल ओवर ओवरव्यू, और ये है बॉक्स। वहीं मैं अगर वेट की बात करूं तो इस बॉक्स की जो वेट है वो टोटल 51 ग्राम है, पर बड का जो वेट है वो यहाँ पर 4 ग्राम के करीब ही है, ओनली बस 4 ग्राम ही है। सो ये तो है हमारे एम आई के ट्रू वायरलेस ईयरफोन 2 का बॉडी ओवरव्यू एंड ऑल। तो अब हम बात कर लेते हैं इस ईयरफोन के बारे में कि क्या क्या इसके फीचर्स एंड ऑल है। तो चलिए हमारी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। तो यार, आप लोगों ने इसका अनबॉक्सिंग एंड ऑल देख लिया है, सारा इसका ओवरव्यू भी देख लिया है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स के बारे में बताऊं, 14.2 mm के डायनामिक ड्राइवर्स हैं, जो कि सुनने में काफी ऑसम लग रहे हैं। अभी हम सुनकर बताएंगे आपको कि किस लेवल के ड्राइवर्स हैं वो, बट स्टिल 4 घंटे का इसका सिंगल ईयरबड का बैकअप है। एंड बॉक्स की बात करूं, बॉक्स के साथ अगर आप इंक्लूड करें तो टोटल आपको 14 घंटे का बैकअप जो है आपको इनके साथ मिलता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो यार, चार्जिंग की बात बताऊं तो 1 घंटे में जो है पूरे चार्ज हो जाते हैं, पूरा का पूरा बॉक्स, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली चार्ज में। एंड 51 ग्राम मतलब 50 ग्राम के करीब ये है आपका, 51 ग्राम का शगुन डाला है शाओमी ने। तो प्रीमियम किस्म के ये ईयरफोन्स हैं, 2,000 रुपये में मुझे मिले, बट अभी जो केस है वो 4,000 रुपये में ही चल रहा होगा इसका, ठीक है। सो उसके भी लिए भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह का ये रहने वाला है। एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सही बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे इसकी, प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है। जो हमारा बड कान में जाएगा वो तो है शाइनिंग वाला, और जो बाकी की फिनिशिंग है वो सारी की सारी मैट फिनिशिंग दे रखी है, इवन की पूरी बॉक्स की भी। सो यस, ऑल ओवर मेरे को अगर क्वालिटी की बात करनी हो बिल्ड क्वालिटी की, तो मैं 5 में से 5 नंबर इसको देता हूँ। सो शाओमी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये डिज़ाइन अलग क्यों है, ऑब्वियसली यार एप्पल से मानते हैं हम इंस्पायर्ड हो कि ये निकाला है, बट स्टिल एक अपना फ्रेश डिज़ाइन वो बनाना चाहते थे। मे बी कई लोगों को ये पसंद आएगा और कई लोगों को वो एप्पल इंस्पायर्ड ही पसंद आएगा, इट्स टोटली सब्जेक्टिव यार। बाकी हाँ, बिल्ड क्वालिटी 5 में से 5 नंबर पूरे, इवन इन द प्राइस परस्पेक्टिव ऑफ 4,000 रुपये,
मैं जो भी अभी पॉइंट्स बताऊंगा वो 4,000 रुपए के अकॉर्डिंग लेने लायक है या नहीं, मैं वो बताऊंगा। ओके, सो बाकी की अगर मैं बात करूं तो इसमें टच कैपेसिटिव बटन हैं, जहां पर आप क्लिक करके कॉल पिक कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, ये सभी चीजें हैं। जब आप ईयरफोन लोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे, बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। जो हमारा राइट वाला है उसमें आपको सिंगल बार टैप करना है आपका म्यूजिक प्ले और पॉज करने के लिए, ठीक है। एंड कॉलिंग वगैरह पिक करने के लिए आपको दोनों तरफ कहीं पे भी सिंगल टैप करोगे तो कॉल पिक हो जाएगा। एंड वहीं अगर आपको वॉइस असिस्टेंट वेक करना है, जो भी है आपका एलेक्सा गूगल जो भी है आपके फोन में, सो आपको इसको टैप करके रखना है। सो मतलब लेफ्ट वाला आपको टैप करके रखना है, सो आपका वॉइस असिस्टेंट भी जो वेक हो जाएगा। ये है इन शॉर्ट की क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें। बाकी हाँ, जो इसमें सेंसर्स हैं जैसा कि मैंने दिखाया आपको अभी, सो ये सेंसर बेसिकली काम इसलिए आते हैं, जैसे ही आपने कोई भी सॉन्ग वगैरह लगा रखा है, ठीक है, कुछ भी लगा रखा है, जैसे ही आपने इसको कान से हटाया वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। अभी जो मैं सॉन्ग चल रहा है, जैसे ही मैंने कान से निकालता हूँ, आपको आवाज़ आ रही थी ना मतलब माइक से थोड़ी, वो जैसे ही मैंने कान से निकाला वो बंद हो गया। कान पे लगाता हूँ तो वापस से शुरू हो गया। इट्स टेक टाइम, लिटल वेट वन सेकेंड, आपको थोड़ा बहुत माइक से आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है, जैसे ही निकाला। सो यस, परफेक्शन है, इट लिटिल बिट 1 सेकेंड डिले, बट हाँ काम बढ़िया किया उन्होंने, कंसिस्टेंसी है, काम करता है। 4,000 रुपये के अकॉर्डिंग ये वाला फंक्शन, माइंड ब्लोइंग सॉरी। अब बता देता हूँ आपको मैं नॉइस कैंसिलेशन के बारे में, ठीक है। अब जिसमें नॉइस कैंसिलेशन है वो बता देता हूँ किस लिए नॉइस कैंसिलेशन है। जैसे ही आपने इसे कान पर लगाया, सो जो भी आसपास का शोर है वो आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब आपको सुनाई नहीं देगा जैसे ही आपने ये लगाया। आप अपने म्यूजिक को या जो भी चीज़ सुन रहे हो उसे आप इंजॉय कर पाओगे बढ़िया तरीके से। सो ये है बेसिकली नॉइस कैंसिलेशन का। काफ़ी लोग यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन को मिसकॉन्सेप्ट कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन इसलिए कि हम जब हम कॉल कर रहे होंगे तो सामने वाले को जो है बैकग्राउंड का जो शोर है वो कैंसिल होकर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता यार। बैकग्राउंड का शोर ब्लूटूथ में जाता ही जाता है, जो महंगे वाले ईयरफोन्स होते हैं ना 5-7,000 वाले, उनमें जाके वो नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग वाली है, बट इनमें वो नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन इज फॉर यू, ये गाना सुनते हुए बैकग्राउंड का शोर नहीं आएगा। इवन जो एक्स्ट्रा माइक्स हैं वो इसीलिए कि वो जो बैकग्राउंड का शोर आएगा उसको सप्रेस कर देगा वो, मतलब जो भी एल्गोरिदम है इनका उसे वो सप्रेस कर देगा, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह की रहने वाली है। सो चलिए सुन लेते हैं किस तरह की साउंड क्वालिटी है और बताते हैं आपको। तो भाई लोगों, आवाज़ सुन ली गई है इन ईयरफोन्स की, एंड सच कहूँ तो सॉरी शाओमी, आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड। लाइक लिटरली मतलब 4,000 के ईयरफोन से एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग प्रीमियम, एंड नो डाउट साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है। जिस चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट किया, इसमें लाउडनेस उतनी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यार वॉल्यूम हाई क्यों नहीं है बार बार, मुझे लिटरली 5 या 2 मिनट बाद ये लग रहा था कि वॉल्यूम हाई नहीं है, आई हैव टू वॉल्यूम हाई, बट स्टिल जब देखा तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी हाई है। सो यस, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आया मुझे। एंड एक और चीज़ जो है जिसमें सेंसर्स हैं उसको स्पॉट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है शुरू में आपको, मे बी एट द टाइम आपको पता चल जाएगा कि यस कहाँ पर है, बट हाँ शुरू में वो स्पॉट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई कि कहाँ पर है, पॉज नहीं हो रहा एंड ऑल, शुरू में ये प्रॉब्लम आया मुझे, मे बी ये रेगुलर ना आए बाद में। एंड साउंड में जो म्यूजिक है वो डिटेलिंग में म्यूजिक सुन रहा था नो डाउट, एक एक छनकार एंड रोल ये सब भी जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो प्रॉपरली सुन रहे थे इसमें, बट जो डायनामिक ड्राइवर्स हैं, वही वन प्लस की मैं बात करूँ, जो वन प्लस के ईयरबड्स है ना 5,000 रुपये के, वो कभी कभी 4,000 रुपये के मिल जाते हैं, या आपको लिंक मिल जाएगा उसकी वीडियो का भी। हाँ, अगर मैं उसकी कंपैरिजन में बात करूँ, क्योंकि वो भी प्रीमियम है और ये भी प्रीमियम प्रोडक्ट है एमआई का, ऑब्वियसली एमआई और वन प्लस में फ़र्क है जो कि है प्राइसिंग का, क्योंकि एमआई कम ही रखता है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो वो ज़्यादा मुझे बेटर लगे। उनमें एक दमदार वॉइस थी, एक लाउडनेस थी उसमें, बट इसमें वो लाउडनेस मुझे नहीं मिली, और कहीं ना कहीं जो मैं थोड़ा बहुत बेस एक्सपेक्ट कर रहा था, इट्स लाइक ए फ्लैट, नॉट डैट मच फ्लैट, बेस है, बीट है, देर आर बीट्स, बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशन थी एक प्रीमियम ईयरफोन से, इफ़ वी आर स्पेंडिंग 4,000 ऑन दीज ईयरफोन, सो आई डोंट थिंक कि 4,000 रुपीज़ लेने के ये वर्थ है। इट्स बेटर टू गो फॉर द वन प्लस, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं एम आई को पसंद नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है कि मेरे पास वन प्लस से ज़्यादा एम आई के प्रोडक्ट्स हैं, और कितने ही एम आई के प्रोडक्ट्स हैं मेरी वीडियोज आप नीचे पीछे देख सकते हो। सो आई एम लिटरली द एम आई फैन, बट दीज आर नॉट अप टू द मार्क। इफ यू आर गोइंग टू बाई इन 4,000, देन प्लीज डोंट बाई दीज, आपके पैसे बचाओ, थोड़े से पैसे खर्च के वन प्लस के ले लो, आई एम पर्सनली सेइंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है वो। मैं जानता हूँ अब आप कहोगे बायस हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे को ना वन प्लस से पैसे मिलते हैं ना एम आई से पैसे मिलते हैं, कहीं से कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। इट्स ऑल कि मैं अगर लेता हूँ उस चीज़ को एकदम ध्यान से देखूँ, सुनूँ, परखूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये साउंड मामले में किस तरह
कैसे हैं एंड ऑल, ठीक है। सो साउंड के मामले में इट्स बेसिक साउंड होता है, बट स्टिल कई लोगों को अगर लेना ही है तो ले लेना, ठीक है। मेरे भी मत बोलना कि यार तूने मना ही कर दिया। बाकी हाँ, मेरे एक तरफ से वो साउंड म्यूजिक लवर्स के लिए भी ऐसे ही है, मतलब अगर किसी को ऐसे नॉर्मली लेने हैं, नॉर्मली सुनने के लिए, सो ये MI की 2C ईयरबड्स S, ये सब सुन लो। इस पे मतलब सीरियसली मज़ा नहीं आया, मैं क्या बोलूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड विद दिस, बट जो है वो है, चलो कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसके माइक क्वालिटी की, कि इसकी माइक क्वालिटी हमारी किस तरह की रहने वाली है। सो अभी जो भी आपको आवाज आएगी वो इसकी माइक के थ्रू की आवाज आ रही होगी आपको। अब इससे आपको जरा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की इसकी माइक क्वालिटी आपको मिलने वाली है। एंड मैं भी एडिटिंग कर तो ही सुनूंगा, बट हाँ आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि यस एक रूम में इस तरह की इसकी आवाज सामने वाले को जाने वाली है, क्योंकि कॉलिंग के दौरान ही तो यूज होगा ना वो बेसिकली माइक। एंड आई थिंक माइक काफी सही होने वाला है। सो ये तो था इसका माइक टेस्ट, होप आपको आइडिया हो गया होगा माइक के लिए भी। तो यार ये तो थी इसकी सारी वीडियो। अब रेटिंग की बात कर लूँ तो इसको मैं साउंड की अगर मैं रेटिंग दूँ तो मेरे को इसमें 5 में से 2.5 रेटिंग ही दूंगा इसको मैं। एंड ऑल ओवर द अगर मेरे को रेटिंग देनी हो तो 5 में से इसको मैं 3.5 रेटिंग ही देता हूँ। इसकी क्वालिटी एंड ऑल वो सभी चीज़ें अच्छी हैं, फीचर्स अच्छे हैं, बट हाँ अगर आपको ये 2000 रुपये में मिल रहे हैं सो इट्स नॉट दैट मच बैड, तब तो ये लेने लायक है। बट हाँ अगर आपको ये 2000 रुपये के नहीं मिल रहे हैं और 4000 रुपये के लेने पड़ रहे हैं आपको, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू गो फॉर इट। अगर आप लोग गालियां देते हो नीचे कि तुझे पता नहीं है एंड ऑल, भाई तो रिव्यू तो टोटली अपना अपना होता है, ठीक है। मुझे पर्सनली आपको रिकमेंड करने लायक नहीं लगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लेता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आपको यार, जो नहीं लगे मैं बोल रहा हूँ आपको, ताकि स्टिल गालियां खाने को तैयार हूँ मैं। बट स्टिल जो मेरे फैंस हैं, जो जिनको पता है कि मैं रील वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ मत लेना, मैं गालियां खाने को तैयार हूँ, ठीक है। सो यही था मेरा ऑल ओवर वीडियो इस MI के प्रीमियम ईयरफोन्स के लिए, जो कि आप सबको पता है मेरा रिव्यू किस तरह करा। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो नीचे गालियां दे दो, क्या ही कर सकता हूं मैं, ठीक है। बट स्टिल सबसे पहले वो रेड कलर का सब्सक्राइब करके उसे ग्रे कर दो, अगर ग्रे ऑलरेडी है तो यहां लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने को पहले ही बोल दिया है, ठीक है। बाकी स्टिल कोई क्वेश्चन है कमेंट कर दो, इंस्टा पे DM कर दो, मैं सबको जवाब देता ही देता हूं, ठीक है। बाकी स्टिल एनी क्वेश्चन पूछो, आराम से पूछो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस।